चलिए करते हैं हाथों के शिक्षण आया। हाथ को इस तरह से सीधा रखना है, सामने रखेंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे, नहीं ऊपर रहेगा नहीं नीचे, ठीक है। चलिए दोनों हाथों को सामने सीधा रखेंगे। पहले उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए अभी ऊपर ऊपर एक एक अंग की एक्सरसाइज हो रही है, एक एक अंग लचीला बन रहा है, बलवान बन रहा है। अंगूठा अंदर ले लीजिए, मुट्ठी को बंद कर लीजिए और अपने जहां से अपने नख से घड़ियाल पहनते हैं वहां से पकड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा हाथ इसी तरह से अंगूठा तक बंद, मुट्ठी बंद, 1, 2, 3। आप नए नए कर रहे हैं, आपकी हड्डियों की आवाज आती होगी, उल्टी साइड, 3, 4, 5। उंगलियों की हो गई, कोहनियों की हो गई, अभी कोहनियों की, चलिए 1, 2, 3, 4, 5 साइड से, 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ कंधों पर रख दीजिए, इस तरह से हाथ देखिए, इस तरह से कानों से होते हुए नीचे आए, 1, श्वास भरते हुए हाथों को ऐसे ऊपर छोड़ते हुए नीचे, 3, श्वास भरेंगे तभी हाथ ऊपर, कोहनियों से होते हुए कान से सटेंगे, पीछे जाएंगे तभी श्वास को छोड़ देंगे, 4 एंड 5। अभी पीछे से आगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए अभी हम कंधों की एक्सरसाइज करेंगे और घुटनों की मसाज करेंगे, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, फेफड़े मजबूत करने के लिए मुट्ठी बंद करेंगे अंगूठा ऊपर और श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, इस तरह से जैसे कोई हमारे हाथ में कपड़ा है और हम पकड़ कर खींच रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे छोड़ते हुए आगे, इससे फेफड़े मजबूत बनते हैं, दवा की तकलीफ दूर होती है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे छोड़ते हुए सामने, रिलैक्स। अभी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, बैठे बैठे ताड़ासन है ये, छोड़ते हुए नीचे, एक बार और, देखिए आपका पेट एकदम पतला हो गया है, छोड़ते हुए नीचे, पकड़ लीजिए दोनों हाथों को इस तरह से जहां बगड़ी पहनते हैं, श्वास भरते हुए खींचिए राइट साइड लेफ्ट हैंड को ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए खींचना है, छोड़ते हुए छोड़ देना। चलिए हाथों का इंटरलॉक कर लीजिए और श्वास भरते हुए दबाव बनाइए पीछे सिर पर, सिर का धक्का हाथों पर लगाना है, हाथों का धक्का सिर पर, छोड़ दीजिए, श्वास भरते हुए दबाव बनाइए दूसरे पर, छोड़ दीजिए, बनाइए दबाव, श्वास भरते हुए छोड़ दीजिए, आगे कपाल पर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। उठाइए राइट हैंड और यहाँ कलपट्टी पर, ये वाला एरिया है, यहाँ पर दबाव बनाना है, श्वास भरते हुए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड, सांस भरते हुए बनाइए दबाव, छोड़ दीजिए, बनाइए दबाव, छोड़ दीजिए, बनाइए दबाव, छोड़ दीजिए। अभी हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा, दोनों हाथों
दीजिए और सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, छत की तरफ देखेंगे। छत की तरफ देखते हुए 3 बार ओ एक्स बोलेंगे, उससे हमारे जबड़े की एक्सरसाइज होता जाती है और ये जो डबल चिन है वो कम हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर 3 बार ओ एक्स, छोड़ते हुए नीचे, उठा दीजिए सांस भरते हुए गर्दन ऊपर 3 बार ओ एक्स, छोड़ते हुए नीचे। जब भी गर्दन नीचे आएगी तभी चिन गले में लगनी चाहिए। एक बार और सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, कराइए सामने। अभी सांस भरते हुए गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे। जब राइट साइड गर्दन घुमाएंगे तभी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी पर प्रेशर देंगे तो कंधा हमारा आगे नहीं आएगा। सांस छोड़ते हुए सामने, लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड जाएंगे तभी राइट हैंड से राइट नी पर प्रेशर देंगे तो हमारा कंधा आगे नहीं आएगा। सामने राइट, सामने लेफ्ट, सामने राइट, सामने लेफ्ट, सामने। अभी हम गर्दन को झुकाएंगे, कान को कंधे से लगा देंगे। देखिए इस तरह से झुका दीजिए गर्दन को, कंधे पर कान को लगा दीजिए और यह हैंड को इस तरह से रखिए। यहाँ पर आपको खींचा आएगा, देखिए आप ऐसे रखेंगे तो नहीं आएगा, ऐसे रखेंगे तो नहीं आएगा। जहां आपको यहाँ खींचाव महसूस होता है वहां आप गर्दन को झुका कर हाथ को इस तरह से रख सकते हैं। सीधा लेफ्ट साइड, सीधा राइट साइड। गर्दन का दर्द है उसे ये दोनों लेफ्ट सीधा, जिसे भी झुक कर काम करना है, जैसे कंप्यूटर है गर्दन को ऐसे झुकाना पड़ता है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, कुछ मेहंदी लगाना है, कुछ कढ़ाई है, सिलाई है, तो उसे ये 2 बार गर्दन की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आगे जाके प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी, नहीं है तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले नीचे, फिर राइट, स्लोली स्लोली घुमानी है, पीछे और लेफ्ट, नीचे राइट, पीछे और लेफ्ट, नीचे राइट, पीछे लेफ्ट। अभी पहले नीचे, फिर लेफ्ट, फिर पीछे राइट, नीचे लेफ्ट, पीछे राइट, नीचे लेफ्ट, पीछे राइट। किसी किसी को आंख बंद कर घुमाने से चक्कर आते हैं, किसी को खुली रखकर घुमाने से चक्कर आते हैं, किसी को ऐसे ही चक्कर आते हैं, तो मैंने वर्टिगो प्रॉब्लम, जिसे वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, वो वीडियो मैंने डाला हुआ है। देखकर आप 3 दिन काली मरी और 3 दिन ये वर्टिगो की यहाँ जो पॉइंट है वो दबा दीजिए और आपको रिलीफ हो जाएगा, चक्कर आने बंद हो जाएंगे। ठीक है,